जर्नलिज्म गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो टाटा स्काई ग्राहकों के लिए बेहद कमाल की रहेगी। अगर आप भी टाटा स्काई का लॉन्च किया गया एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स टाटा स्काई बिंच प्लस का उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि टाटा स्काई की ओर से बिंच प्लस सेट टॉप बॉक्स में आप सभी के लिए रिकॉर्डिंग फीचर को इनेबल कर दिया गया है। और खास बात यहाँ पर यह देखने वाली है कि रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें किसी भी तरह से कोई भी पेन ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी कंपनी की जैसे कि एयरटेल है, डिश टीवी है, D2H है, वो आपको ये रेकमेंड करते हैं कि रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको पेन ड्राइव जो है वो कम से कम 2 या 4 GB की चाहिए ही चाहिए, तभी आप कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन टाटा स्काई बिंच प्लस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको क्लाउड स्टोरेज जो है वो टाटा स्काई की ओर से प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी सहायता से आप अपने मनपसंद मूवी सीरीज जो भी एपिसोड है कुछ भी हो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी आपका बच्चों का प्रोग्राम है, न्यूज है, कुछ भी हो वो आप आसानी से यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 प्लान हमारे बीच लॉन्च किए गए हैं, एक आपका बेसिक प्लान रहता है, एक आपका प्रीमियम प्लान रहता है। दोनों में क्या डिफरेंस रहता है और यहाँ पर एक और खास बात है कि रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको एक फ्री प्लान भी दिया गया है और एक आपका प्रीमियम प्लान जो है थोड़ा बहुत कॉस्टली रहता है। दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा उसके बारे में भी हम बारीकी से बात करेंगे। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि रिकॉर्डिंग आपको कैसे एक्टिवेट करनी है, कौन कौन से प्लान आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से प्लान में आपको क्या क्या खास फीचर्स दिए जा रहे हैं, और साथ ही में यहाँ पर जो है आपको रिकॉर्डिंग करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को कैसे देखना है, रिकॉर्डिंग को डिलीट कैसे करना है, हर चीज को आपने बारीकी से समझा दिया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो से नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले जरूर मिले। तो दोस्तों, सीधा ही हम टाटा स्काई बिंच प्लस सेट टॉप बॉक्स की ओर आ चुके हैं और यहां पर बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप भी अपने सेट टॉप बॉक्स को शुरू करेंगे तो आपके सेट टॉप बॉक्स में एक नया अपडेट जारी किया जाएगा जो कि ऑटोमेटिकली होगा, अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा जो सेट टॉप बॉक्स है उसमें भी अपडेट आ गया है। अब यहाँ पर जो है आपका जो EPG बैनर है या EPG आप कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड कहते हैं चैनल की, उसमें आपको नई चेंजेस देखने को मिलेगी कि आपका जो EPG बैनर है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले बड़ा हो गया है साइज में, और जो चैनल के लोगोज हैं वो भी हल्के फुल्के जो हैं अब बड़े दिखाई देने लगे हैं पहले के मुकाबले। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको एक और ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शंस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपके मेन्यू में, जबकि पहले नज़र नहीं आया करता था। और जिस चैनल पर रिकॉर्डिंग का आपको फैसिलिटी दिया गया है उसके आगे आपको R भी नज़र आ जाएगा बना हुआ, जिस पर आपको बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए आपको जो है रिमोट से स्टार बटन प्रेस करना होगा, जिसके बाद आपका जो है प्रोग्राम रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रिमोट से जैसे आप मेन्यू बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है रिकॉर्डिंग्स। इस पर रिमोट से सेलेक्ट बटन प्रेस कीजिए। अब इस सेलेक्ट बटन प्रेस करते ही यहाँ पर वह आपसे कह रहा है कि टाटा स्काई की ओर से जो है 2 तरीकों से रिकॉर्डिंग प्लान्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं। अगर आप भी अपने सेट टॉप बॉक्स में रिकॉर्डिंग को एनेबल करना चाहते हैं या अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को, मूवीज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लान्स जो है वो उनके खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपका प्लान्स अवेलेबल किया गया है उसको देखने के लिए एक्सप्लोर पैक्स पर रिमोट से सेलेक्ट बटन प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है 2 तरीकों से प्लान लॉन्च किया गया है। पहला प्लान है बेसिक, दूसरा प्लान है प्रीमियम। बेसिक प्लान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसको लेने के लिए आपको अकाउंट से कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, ये लाइफ टाइम आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या है 25 रिकॉर्डिंग आवर्स यानी 25 घंटे आप रेगुलरली कोई भी प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री प्लान में केवल एक ही प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा एक समय पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि रिकॉर्डिंग्स विल बी रिटेन्ड फॉर 14 डेज पोस्ट डीएक्टिवेशन। अगर आपका टाटा स्काई बिंच प्लस का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपके जो भी प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हुए हैं, चाहे मूवीज है, जो सीरीज है, कुछ भी है, नाटक है, वो केवल 14 डेज तक के लिए ही यानी 14 दिनों के लिए ही आपके टाटा स्काई बिंच प्लस में स्टोर रहेंगे, उसके बाद अपने आप ही ये जो है हट जाएंगे, नजर नहीं आएंगे आपको या उसको आप देख नहीं पाएंगे। और आखिर में उन्होंने ये बताया हुआ है कि रिकॉर्डिंग्स विल बी डिलीटेड आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि जो भी आपने मनपसंद प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है वो अपने आप ही 3 महीनों के बाद हट जाएगा, गैप हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। और वही अगर आप इनका प्रीमियम प्लान सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए आपको हर महीने 199 रुपये यानी 199 रुपीज पर मंथ आपको चुकाना होगा, जिसमें आपको 100 रिकॉर्डिंग आवर्स यानी 100 घंटे
रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलेगा। फ्री प्लान में 25 घंटे और प्रीमियम प्लान में 100 घंटे रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलेगा। आप यहां पर जो है एक साथ 20 प्रोग्राम्स को एक ही समय पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे किसी भी चैनल का प्रोग्राम हो, जबकि बेसिक फ्री प्लान में केवल आप एक ही प्रोग्राम एक ही समय पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम प्लान में आपको जो है पूरे 30 दिनों तक छूट मिलती है अपने मनपसंद प्रोग्राम को बचाकर रखने की। अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो करीब 30 दिनों तक जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो सेफ रहेगी आपके बॉक्स में, जबकि फ्री प्लान में केवल 14 डेज का ही समय दिया हुआ है। और वही आखिर में जो है प्रीमियम प्लान में आपको जो रिकॉर्डिंग करने का मौका मिल रहा है वो लाइफ टाइम फ्री है। साथ ही में जो भी आपकी रिकॉर्डिंग है वो सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगी अगर आपका अकाउंट एक्टिव है। जबकि बेसिक जो फ्री प्लान हमारा लॉन्च किया गया है उसमें आपको 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग को अपने आप ही हटा दिया जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी प्लान आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको मैं बेसिक प्लान ही लेकर दिखा देता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है। तो सिंपली रिमोट से उस पर सेलेक्ट बटन प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने एक बार फिर से आपको जानकारी जो बता दी है कि 25 घंटे के रिकॉर्डिंग के मौका मिलेगा, एक टाइम पर आप एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग जो है 14 डेज तक आपकी अवेलेबल रहेगी, और आखिर में रिकॉर्डिंग जो है 3 महीनों के बाद बंद हो जाएगी, हटा दी जाएगी। और ये जो है टाटा स्काई रिकॉर्ड इज अवेलेबल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर ऑल टाटा स्काई बीच प्लस सब्सक्राइबर्स। जो भी टाटा स्काई बीच प्लस के उपभोक्ता हैं उनको इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान है। तो सिंपली आपको सब्सक्राइब बटन पर रिमोट से सेलेक्ट बटन प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना होगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं टाटा स्काई की ओर से। इसको सिंपली जो है आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब एक्सेप्ट कर लेने के बाद जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके अकाउंट में ऐड किया जाएगा, जिस प्रकार से मेरे ऐड किया जा रहा है आप देख सकते हैं। तो जो हमारा प्लान है वो प्रोग्रेस में चला गया है। अब जो चाहे हम अपने मनपसंद चैनल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि टाटा स्काई की ओर से सभी चैनल्स पर फिलहाल मौका नहीं दिया गया है रिकॉर्डिंग करने का। यहाँ पर सिलेक्टेड चैनल्स हैं जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फिलहाल के रूप में। आगे चलकर हो सकता है कि सभी चैनल्स पर रिकॉर्डिंग को इनेबल कर दिया जाए। अब रिकॉर्डिंग कौन कौन से चैनल्स पर हो रही है उसके लिए जो है हम आपको लेकर आ चुके हैं चैनल्स की गाइड पर। यहाँ पर सभी चैनल्स के आपको जो है नाम दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सोनी HD पर आप रिकॉर्डिंग लगा सकते हैं, इसके अलावा सोनी सब HD रिकॉर्ड हो जाएगा और NTV HD भी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। मान लीजिए मुझे NTV HD रिकॉर्ड करना है तो NTV HD पे मैं आऊँगा और सिंपली यहाँ पर जो है रिमोट से मैं स्टार बटन प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने स्टार बटन पर जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर जो है हमारे 3 ऑप्शंस आ चुके हैं, रीस्टार्ट, रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या आपको इस पे प्रोग्राम में फीचर मिल रहा है। अब रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली हम रिकॉर्ड टैब पर रिमोट से सेलेक्ट बटन प्रेस करेंगे। तो वाकई में अगर इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो जी हाँ, एपिसोड या सीरीज, तो एपिसोड पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे जो हमारी रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में चली गई है, जो प्रोग्राम है वो हमारा रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से जो है इसकी रिकॉर्डिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं। एक बार हम बैक करके देख लेते हैं तो देख सकते हैं कि जो सिंबल है वो ग्रीन हो चुका है, यानी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी इस प्रोग्राम की जारी है। अब इसको रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए रिमोट से एक बार फिर से स्टार बटन प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर जो है नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा नज़र, स्टॉप रिकॉर्डिंग, उस पर रिमोट से स्टार बटन प्रेस कीजिए, आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो रुक जाएगी। तो ये बता रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमने जो है 31 सेकेंड का जो प्रोग्राम है वो रिकॉर्ड कर लिया है। तो यस, हम इसको रोकना चाहते हैं तो यस पर हम रिमोट से यस बटन जो है सेलेक्ट बटन प्रेस कर देते हैं। तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं ना कहीं अब रुक चुकी है। अब हम रिमोट से जो है होम बटन प्रेस करेंगे और रिकॉर्डिंग्स जो ऑप्शन है उस पर जाएंगे। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो आ चुकी है, जो हमने NTV HD रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वीडियो विल बी अवेलेबल आफ्टर शो हैज एंडेड, यानी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको तभी देखने को मिल पाएगी जब ये शो जो भी चल रहा है जिसे हमने रिकॉर्ड किया है वो ख़त्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और ऊपर जो है आपको देख सकते हैं क्वाटा भी नज़र आ रहा है कि 24 घंटे जो है आपको 60 मिनट्स जो है आसपास रिकॉर्डिंग करने का आपका टाइम रह गया है 25 घंटे में से। तो इस प्रकार से आपको ड्यूरेशन भी बताई जाएगी कि कितने ड्यूरेशन का प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऊपर आपको ड्यूरेशन भी नज़र आ रही है। बाकी यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, रिकॉर्डेड, इन प्रोग्रेस, जो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस में हो, इसका फीचर जो है वो प्रीमियम वालों के लिए अवेलेबल है, और शेड्यूल्ड,
यानी जो प्रोग्राम आपने शेड्यूल लगा रखा है कि जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है, कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो अपने आप ही रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख नहीं सकते क्योंकि प्रोग्राम अभी चल रहा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो सिंपली डिलीट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं और ऊपर डिलीट ऑफ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से आपने जो भी रिकॉर्डिंग की हुई है उसे डिलीट करने का भी आपको मौका मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि टाटा स्काई बिंच प्लस सेटटॉप बॉक्स में रिकॉर्डिंग किस प्रकार से की जा सकती है फ्री प्लान में, और यहाँ पर जो आपको मैंने सभी ऑप्शंस के बारे में बता भी दिया है। बाकी आपके मन में भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।